कुछ बातें कुछ गीत के श्रोताओं को राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हम संगीतकार सलील चौधरी के संगीतबद्ध गीत सुनवाएंगे। आपको बताना होगा फिल्मों के नाम और भी गीत से जुड़े कुछ सवाल। बस आप बता दें कि फिल्म का नाम क्या है और ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया था। सबके जवाब मुझ तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये गीत फिल्म थी दो बीघा जमीन और ये गीत जो है वो अभिनेत्री मीना कुमारी के ऊपर फिल्माया गया था। अगला गाना जो हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है फिल्म का नाम और ये गाना किन दो अभिनेताओं पे फिल्माया गया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सलील चौधरी का जन्म 19 नवंबर 1925 को हुआ था। एक भारतीय संगीत निर्देशक, गीतकार, लेखक और कवि थे जिन्होंने मुख्य रूप से बंगाली, हिंदी और मलयालम फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया और उन्होंने 13 भाषाओं की फिल्मों के लिए संगीत दिया। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया।
फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। सलील चौधरी के संगीत में सर्वहारा का दर्द है तो आम आदमी के जीवन की जद्दोजहद भी। सलील चौधरी के कई परिचय हैं, महान संगीतकार, लेखक, गीतकार और फिल्म समीक्षक। उनका एक परिचय और है जिसकी परछाई में उनके ये सारे हुनर पले, वो है साम्यवादी सलील चौधरी। उन्होंने साम्यवाद को न सिर्फ अपने संगीत में डाला, उसे जिया भी, और संगीत को अभिजात्य वर्ग के एकाधिकार से निकालकर उसमें आम आदमी की कराहों, पसीने और आशाओं का रंग भरा। उन्होंने न सिर्फ विभिन्न देशों और प्रदेशों के लोक संगीत का समाकलन किया, बल्कि इन लोक शैलियों और पाश्चात्य संगीत का अनोखा तालमेल बनाकर रखा। नित नवीन परिवर्तन करने के माहिर सलील चौधरी हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने लिखकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस फिल्म, जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था, बताना था आपको कि भई फिल्म का नाम क्या है और ये किन पे फिल्माया गया था। बिल्कुल सही, फिल्म थी जागते रहो, अपने समय की सुपरहिट फिल्म, जब एक रात की कहानी थी जिसमें, और ये गीत फिल्माया गया था राज कपूर और मोतीलाल पर। अगला गाना आपको बताना है, आवाज किसकी, यानी गायक कलाकार कौन है और पर्दे पर इस गीत को किन पर फिल्माया गया था। आवारा कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा, कितना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। सलील चौधरी के संगीत में कई विपरीत छोर एक साथ सक्रिय नजर आते हैं, जिनमें ये चीज प्रमुखता से उभरती है कि एक और वो नव यथार्थ से भरा संगीत बना रहे थे, तो दूसरी ओर बंगाल की स्नेहिल छाया से उत्पन्न कुछ बेमिसाल दोनों ने उन्होंने हिंदी जगत को दी। अरमान था गुलशन पर बरसू, एक शोक के दामन पर बरसू, अरमान था गुलशन पर बरसू, एक शोक के दामन पर बरसू, अफसोस जली मिट्टी पे मुझे तकदीर ने मेरी दे मारा, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। मदहोश हमेशा रहता हूँ, खामोश कब कुछ कहता हूँ, मदहोश हमेशा रहता हूँ, खामोश कब कुछ कहता हूँ, कोई क्या जाने मेरे सीने में है बिजली का भी अंग। बहुत ही सुंदर गीत और बहुत ही सुंदर संदेश हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं। सलील मतलब पानी, चौधरी मतलब चौधरी, यानी कि चार धरी चार दिशाएं। सलील चौधरी जैसा नाम वैसा उनका संगीत, पानी जैसा स्वच्छ निर्मल, और चौ मतलब चारों दिशाओं में उनके संगीत की धारा बहती रहती है। सुनकर दिल को सुकून मिलता है और आज उनके संगीत से सजे गीतों की धारा विविध भारती के इस कार्यक्रम में बहेगी। जी हाँ बिल्कुल, और आप सबने हमें लिखकर भेज दिया है, फिल्म का नाम छाया और ये गीत फिल्माया गया था सुनील दत्त और आशा पारेख पर। अगला गाना आपको बताना है, फिल्म का नाम और बताना है गीतकार कौन है। दिल को ये डर है, पहला सफर है,
के चला न जाए प्यार की मस्त हवाओं में, जब तक है दम चलो चले हम डाल के बाहें बाहों में। बढ़ने लगी दिल की धड़कन, डोल रहा क्यों मेरा तन मन, हाय मेरा तन मन। बढ़ने लगी दिल की धड़कन, डोल रहा क्यों मेरा तन मन, हाय मेरा तन मन। तू ही बता चैन कहा जब लागी लगन, तेरा जा भी है तेरी जब से बसी हो निगाहों में। दिल भी है तेरा जा भी है तेरी जब से बसी हो निगाहों में। हलके हलके चलो सांवरे, तू मंजिल मेरा ही तेरा, तेरे बिना क्या जीना मेरा, क्या जीना मेरा। तू मंजिल मेरा ही तेरा, तेरे बिना क्या जीना मेरा, क्या जीना मेरा। टूटे कभी न टूटे कभी ये साथ पिया, प्यार की कसम संग रहेंगे हम नील गगन के छाओं में। प्यार की कसम संग रहेंगे हम नील गगन के छाओं में। हलके हलके चलो सांवरे। वैसे एक बहुत ट्रिकी सा सवाल ये हो सकता है आपके लिए कि अगर इस गीत को फिल्माया किन पे गया था, आप अगर हमें लिख कर भेज दें तो मेरी भी जानकारी बढ़ेगी। बहरहाल ये जो हमने आपसे सवाल किया था, फिल्म का नाम तांगे वाली और इस गीत को लिखा था प्रेम धवन ने। और बहुत ही प्यारा सा संदेश हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे ट्रम्पट के मास्टर भी थे, जाने मन तेरे दोनों भी गीत इन्होंने, अंत में बहुत छोटा सा ट्रम्पट का पीस है इस गीत में, जिसके लिए हर बार ये गाना मैं पूरा सुनता हूँ, क्या बात है। और अपने 4 दशक लंबे सिने करियर में लगभग 75 हिंदी फिल्मों में संगीत दिया इन्होंने। इसके अतिरिक्त उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, असमिया, उड़िया और मराठी फिल्मों के लिए भी संगीत दिया। अगला गाना आपको बताना है फिल्म का नाम, ये गीत किस पर फिल्माया गया था और गीतकार कौन है। 3 प्रश्न हैं आपसे। फिल्म का नाम, फिल्माया किन पे गया और गीत लिखा किसने है। जाए कहां रे लहराए पानी में जैसे धूप छावे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहराए पानी में जैसे धूप छावे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहराए पानी में जैसे धूप छाओ। रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए। कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहराए पानी में जैसे धूप छाए। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, ए, 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 ए,
लगे तो एक बराबर, जिसमें पानी डाले रे लहराए पानी में जैसे ना। कर्णप्रिय गीत ये, और मुझे मेरा बचपन याद आने लगता है इस गीत को सुनकर। मुझे यकीन है आप सब में से बहुत लोग पीछे मुड़कर कुछ अतीत की यादों में गुम हो गए होंगे, और आप सबका जवाब भी सही आया। इस फिल्म का नाम था काबुलीवाला। फिल्म आया गया था बलराज साहनी पर और गीतकार थे गुलजार। और एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि सलील चौधरी का संगीत पूर्व और पश्चिम का मिश्रण है। उनके समकालीन जितने भी संगीतकार हुए उनमें से किसी ने भी सलील दा जितने प्रयोग नहीं किए। सलील दा का इंस्ट्रूमेंट्स का काफी उम्दा प्रयोग करते थे। लोकगीत और पाश्चात्य संगीत का जिस बारीकी और सहजता से उन्होंने मिश्रण किया वो बेमिसाल है। हम चमकेंगे तारों के उस गांव में, आंखों की रोशनी हरदम ये समझाए। एक श्रोता ने लिखा है, बेहद मिलनसार मृदुभाषी व्यवहार कुशल और देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के नियमित और वरिष्ठ श्रोता। बहुत ही अच्छा, किसी का जन्मदिन के बारे में आपने लिखकर भेजा है। छोटी बहना सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ, मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पास। आपको बताना है फिल्म का नाम, पर्दे पर किन के ऊपर फिल्माया गया है ये गीत। आ रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाओ में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। एक श्रोता लिखते हैं, सलील जी का संगीत भारतीय कर्णप्रिय और सुमधुर है। योगेश जी गुलजार जी के साथ मिलकर इन्होंने अप्रतिम गाने दिए यकीनन। शहजादी जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी, अच्छा है ये बला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये बला हमारी जाए दूजे गांव में। आ रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाओ में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। रहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के गांव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के गांव में। आए रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाओ में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम भी हम चमकेंगे तारों के उस गांव में, आंखों की रोशनी हरदम ये समझाए। बिल्कुल सही आपने लिखकर भेजा है। फिल्म थी नौकरी, आवाज किशोर कुमार की थी, और स्क्रीन पर भी इस गीत में थे जो गीत जो फिल्माया गया था किशोर कुमार, और उनके साथ थी शीला रमानी। और हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भाई सलील चौधरी के सिने करियर में उनकी जोड़ी गीतकार शैलेंद्र के साथ खूब जमी और सराही भी गई, और उन्होंने उस बहुत सारी फिल्मों के नाम भी लिखकर हम तक भेजे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि सलील के पिता हालांकि चाय बागान के ब्रिटिश मालिकों के नौकर थे, लेकिन अक्सर बागानों के कुलियों और अन्य कम वेतन वाले श्रमिकों के साथ नाटक किया करते थे। अपने पिता में श्रमिकों के साथ ये एकता, ये ब्रिटिश विरोधी मानसिकता और मजदूर वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति ने बालक सलील को प्रभावित किया, उन्हें प्रेरित किया और उनके अंदर देशभक्ति के जुनून को आकार दिया। जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने
संगीत या जनसमूह के गीत क्रांतिकारी तरह के गीत लिखे और एक स्कूल भी बनाया और कोलकाता के बंगबाशी कॉलेज में उनके वर्ष जहां से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बहुत सुंदर संदेश आप सबके मुझ तक पहुंच रहे हैं। और अब बताना है इस गीत के फिल्म का नाम, ये गीत किन अभिनेत्री और अभिनेता पे फिल्माया गया है। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके। आप लिखती हैं कि फिल्म तो नौकरी थी, किशोरदा थे, लेकिन अभिनेत्री का नाम याद नहीं। अभिनेत्री का नाम बहुत ही अनयूजुअल सा था और बहुत सारे फिल्मों में आई भी नहीं वो। जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वहीं मेरा दिल, तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वहीं मेरा दिल, झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। बिना तयशुदा डिजाइन के सिर्फ डिजाइनर यानी इच्छा मात्र से निकाली अपनी धुनों से लोगों को मुरीद बना लेने वाले का नाम है सलील चौधरी। लोग प्यार से उन्हें सलीलदा कहा करते थे। सलीलदा जिनके लिए कई हिंदुस्तानी और पश्चिमी साज खिलौने होते थे। और एक श्रोता लिखती है सलीलदा संगीत के हेडमास्टर थे। संगीत में विभिन्न प्रयोग करने संगीत जैसे संगीतकार थे जिनमें भारतीय और पाश्चात्य संगीत का मिलाप है। उनका संगीत दिल तक उतरने वाला, चुलबुला, मस्ती भरा था और एक जीनियस संगीतकार थे वो। शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों। क्या बात है, आपके जवाब मुझ तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, फिल्म का नाम माया और इस गीत को फिल्माया गया था माला सिन्हा और देवानंद पर। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि भाई तस्वीर तेरी दिल में वेस्टर्न हार्मनी का बेहतरीन इस्तेमाल काउंटर मेलोडी में किया गया है भारतीय वाद्यों में। और एक श्रोता लिखते हैं कि बिमल राय की फिल्म मधुमती के लिए सलील चौधरी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला गाना
बताना है ये गीत किन पर फिल्माया गया है, फिल्म का नाम भी आपको बताना है। जवाब बिल्कुल जल्दी जल्दी मेरे पास आएंगे। जी हाँ, फिल्म थी मधुमति और ये गीत फिल्माया गया था विजयंती माला पे। और हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि भाई इनके उनको लता मंगेशकर बहुत ज़्यादा पसंद थी, ज़्यादातर गाने उन्होंने लता जी से गवाए। लता जी की सुरमई आवाज़ के जादू से सलील चौधरी का संगीत सज उठता था और उस दौर की किसी भी फिल्म के गाने की गायिका लता जी और संगीतकार सलील जी हों तो गानों के हिट होने की में कोई संशय नहीं रहता था। अब अगला गाना जो मैं आपको सुनवा रही हूँ, बताना है फिल्म का नाम और पर्दे पर किन्होंने गाया है, किनके ऊपर फिल्माया गया था और गीतकार कौन है इस गीत के। अपना बना।
फिल्म थी परिवार, बिल्कुल सही लिखा आपने। और ये गीत फिल्माया गया था जयराज और उषा किरण पे, और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र जी ने। और आपने लिखकर भेजा हमारे श्रोता ने कि भाई सलील चौधरी उन गिने चुने संगीतकारों में हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जो भी काम किया वो उच्च कोटि का ही किया। उन्होंने क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी को महत्व दिया। लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, यहाँ तक कि आधुनिक संगीत में भी उन्होंने बेमिसाल रचनाएँ की हैं। उनके कुछ गीत अमर गीतों की श्रेणी में आते हैं। मुझे लगता है अब तक जितने भी गीत मैंने आपको सुनवाए हैं वो सारे गीत अमर गीतों के ही श्रेणी में आते हैं, और ये सारे गीत बहुत प्रचलित हुए, बहुत पसंद किए गए। आपने ये भी लिखा है कि बैकग्राउंड म्यूजिक में वो मास्टर थे, काला पत्थर और इत्तेफाक जैसी फिल्मों में उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। जी हाँ, बस अब अगला गाना बताना है, फिल्म का नाम और अदाकारा कौन थे। एक श्रोता ने यह भी लिखकर भेजा है कि सलील चौधरी जी की श्रीमती सविता चौधरी अच्छी गायक रही थी, उन्होंने फिल्म अन्नदाता में गाना गाया है। और आपने ये भी एक लिखती हैं कि सलील जी और किशोर जी आप इस गाने, अच्छा एक घटना का जिक्र किया है आपने। बिल्कुल सही, फिल्म थी छोटी सी बात, और इस गीत को फिल्माया गया था विद्या सिन्हा पर। सलील चौधरी हिंदी फिल्म संगीत में एक प्रबुद्ध संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। यह हमें लिखकर भेजा एक श्रोता ने, और इस संदर्भ में सलील चौधरी के लिए ये कहा जाना चाहिए कि वे अकेले ऐसे संगीतकार होने का गौरव पाते हैं जिनके यहाँ पाश्चात्य संगीत से लेकर असम, बंगाल और कुमायूं के लोक संगीत को लेकर प्रेरणा ली। वे एक साधारण लकड़ी के टुकड़े को उठाकर कोई भी रिदम या लय का पैटर्न बुन सकते थे। बहुत सुंदर। और अब अगला गाना, बेहद सुंदर गीत, बता दीजिए सिर्फ फिल्म का नाम क्या है। बता ये भी सकते हैं कि फिल्म आया किन पर गया था। फुहार लाई अखियों में प्यार लाई हो
जी हाँ, फिल्म थी परख और ये गीत फिल्माया गया था साधना पे। और अब अगला गाना आपको बताना है, अभिनेत्री का नाम, फिल्म का नाम। सलीलदा यकीनन भारतीय सिनेमा की दुनिया में सबसे बहुमुखी संगीतकार थे। संगीत के पारखी लोगों के लिए वे एक गैर अनुरूपतावादी संगीतकार के रूप में जाने जाते थे, जिनकी पूर्णता की निरंतर खोज उनके जीवन में हर चीज से ऊपर थी। बारीकियों पर उनका सावधानीपूर्वक ध्यान, संगीत के विषय वस्तु के लिए एक ईमानदार कान, सुधार के लिए एक अतृप्त इच्छा इनके साथ रहे। वाद्य यंत्रों के लिए उनकी असाधारण प्रतिभा थी। तबला, सरोद, पियानो, पिकालो, वायलिन, इसराज, बांसुरी और सभी वाद्यों को बजा लेते थे। जो गीत इस समय आप सुन रहे हैं, आपको बताना है फिल्म का नाम और अभिनेत्री का नाम। बहुत से श्रोताओं ने शिक्षक दिवस की भी शुभकामनाएं भेजी हैं। सही जवाब आप सबने लिखकर भेजा है। फिल्म का नाम था उसने कहा था और ये गीत फिल्माया गया था नंदा के ऊपर। बहुत सारे फीमेल आवाजों में मैंने भी आपको गीत सुनाए। अब चलते हैं कुछ गायक कलाकारों की ओर। याद है कौन सी फिल्म थी ये और किस पर फिल्माया गया था ये गीत? कुछ गीत अब गायकों की आवाजों में। जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। पर फिल्माया गया ये गीत था फिल्म मेरे अपने से। बहुत खूबसूरत फिल्म थी और मुझे यकीन है आप सबको भी बहुत पसंद आई होगी। अब बताना है इस गीत को लिखा किसने है और फिल्म का नाम। बहुत आसान सा सवाल। एक माँ को अपनी संतानों में से चुनना कि कौन संतान ज्यादा प्रिय है, वैसे ही मधुर धुन से सजी गीतों को चुनना भी कठिन होता है। बिल्कुल सही समझिए आप। मुझे सलीलदा के सभी गाने बहुत पसंद हैं, पर कुछ गाने तो बहुत पसंद हैं। और आपने ये भी लिखा है कि इन गीतों के बोल और धुन मुझे आज भी फूलों की तरह सुगंधित करते हैं। क्या बात है। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए,
कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। श्रोता ने बहुत गौर से शायद उस वीडियो को देखा था और लिखती हैं, वाह वाह राजश्री जी, दिलकश अंदाज, सलील यानी पानी के साथ सलील चौधरी जी के लिए पोस्ट करना सही में बहुत अच्छा लगा। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों के आगे कहा। जी हाँ, योगेश का लिखा ये गीत था फिल्म आनंद से और फिल्माया गया था राजेश खन्ना के ऊपर, जैसा कि आप सबने लिखा है और सही लिखकर भेजा है। अब थोड़ा सा संगीत देखिए कैसे परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा था कि वेस्ट और ईस्ट दोनों का मिलाकर बहुत ही खूबसूरत संगीत बनाया करते थे। गुजर जाए दिन 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 के हर पल किन, आपको बताना है फिल्म का नाम और ये गीत जिन पर फिल्माया गया है वो कौन से वाहन पर है। यादों में किसी की हाय बातों में किसी से मुलाकातों में ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 किसी की हाय यादों में किसी की हाय बातों में किसी से मुलाकातों में के ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। श्रोता ने लिखकर भेजा है कि एक ऐसे संगीतकार सलील चौधरी साहब थे जिन्होंने गीत भी लिखे हैं, पटकथा भी लिखी है और वे सिर्फ हिंदी गीतों को ही नहीं बंगाली में भी बहुत सारे गीतों पर संगीत दिया और अन्य भाषाओं के भी। ये रहे न दिल बस में ये न माने कोई रस में ये के खाऊं मैं तो कस में ये उन्हें है पता कि जग चाहे रूठे ये जग चाहे छूटे ये जग चाहे रूठे ये जग चाहे छूटे ये नाता नहीं टूटे ये हा। आ गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। साइकिल पर थे अनिल धवन, बिल्कुल सही आप सबने लिखकर भेजा है। फिल्म थी अन्नदाता और ये गीत फिल्माया गया था अनिल धवन पर और वो साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं इस गीत में। अब अगला गाना आपको बताना है फिल्म का नाम और थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, शायद आपको जवाब देने में मुश्किल हो, मुझे बहुत मजा आएगा। लिखकर भेजिए ये गीत किन पर फिल्माया गया है। तुझ बिन जिया उदास रे ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा आ आ आ। तुझ बिन जिया उदास रे ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा आ। Thank you.
ये फिल्म थी पूनम की रात और ये गीत फिल्माया गया था मनोज कुमार और इनमें थी कुमुद चुकानी जी। अगला गाना फिल्म का नाम बता दीजिए जल्दी से। संदेश भी आया है सलील दा की अपनी एक अनूठी शैली थी जिसमें उनकी ज्यादातर रचनाएं कानों को सुनने में भी सरल लगती थी। अब न किसी को समझे कोई दुनिया में बेगाना, अश्कों से अब देखो कोई लिखे न अफसाना, अब न किसी को समझे कोई दुनिया में बेगाना, जी हाँ जाहिरा और अनिल धवन पर यह गीत फिल्माया गया था। फिल्म थी अनोखा दान और अब अगला गाना आपको बताना है फिल्म का नाम और अभिनेत्री कौन थी इसमें। यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, धुनें बहुत ही मीठी नाजुक सी हुआ करती थी। कुछ धुनों में पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत की झलक मिलती थी और उनके कुछ गाने ऐसे थे जिनमें झलकते थे क्रांतिकारी सुर। आपने लिखकर भेजा है। हर धड़कन पर माना मैंने अधिकार ये जब से साजन का, हर धड़कन पर माना मैंने जब से उनके साथ बंधी, ये भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख है। फिल्म थी रजनीगंधा और फिल्माया गया था विद्या सिन्हा पर ये गाना। आप सबके जवाब मुझ तक पहुंच गए और अब अगला गाना फिल्म का नाम आपको बताना है और बताना है कि इस गीत को लिखा किसने था। फिल्म का संगीत हर दशक में बदला है और इस बदलाव ने कई स्थापित संगीतकारों जैसे नौशाद, सी रामचंद्र, यहाँ तक कि शंकर जिकेश किशन को भी हाशिए पर खड़ा कर दिया था। वहीं सलील सहजता से नए दौर में दाखिल हो गए और 70 के दशक में समाजवाद हिंदी फिल्मों से गायब होने लगा। कहानियां शहरी प्रोटैगनिस्ट की जिंदगी के इर्द गिर्द सिमट रही थी तो सलील चौधरी ने अपना स्टाइल बदल लिया। ये एक संदेश हमारे श्रोता का। ये गीत जो आप सुनने जा रहे हैं आपको सिर्फ बताना है फिल्म का नाम और बताना है कि गीतकार कौन है।
थी अग्नि परीक्षा और इस गीत को लिखा था योगेश ने। अगला गीत बताना है फिल्म का नाम और गीतकार कौन थे। एक घटना हमारे श्रोता लिखकर भेजते हैं। संगीतकार सलील 1958 में लॉस एंजलिस गए। वहां भारतीय वाद्य यंत्र बेचने वाली एक दुकान में उनकी निगाह एक सितार पर पड़ी। दुकानदार ने सितार का नाम बॉस बताया। सलील चौधरी ने कहा, ये तो सुरबहार सितार है। फिर उन्होंने जो सुर छेड़ा उससे प्रभावित होकर दुकान के मालिक वो सितार उन्हें उपहार में दे दिया। तोड़ के प्याले चला प्रेम कली रे। आपको बताना है इस गीत के फिल्म का नाम और गीतकार। चली परदेश चली बगिया से बाबुल की, तोड़ के प्याले चला प्रेम कली रे, मौजों की डोली चली दे। तक आई सखियां सहेलियां, पनघट तक आई सखियां सहेलियां, रह गई पीपल की छांव में सब पहेलियां, छूट गई वो गली रे, मौजों की डोली चली रे। परदेश चली बगिया से बाबुल की, तोड़ के प्याले चला प्रेम कली रे, मौजों की डोली चली रे। फिल्म का नाम था जीवन ज्योति, जैसा आप सबने लिखकर भेजा है, और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत और आखिरी गीत आपको बताना है फिल्म का नाम, सिंगर का नाम और गीतकार का नाम। सबके जवाब बिल्कुल सही। फिल्म थी आनंद महल और इस गीत को गाया था यशोदास ने और इस गीत को लिखा था योगेश ने। इसके साथ ही कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब समाप्त होता है।